हफ्ते बिस्कुट रैप में देखिए बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। किंग खान के बाद अब बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान भी खरीदेंगे एक आईपीएल टीम, जिसके बारे में वो अपने खास दोस्तों से सलाह ले रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने मनी रत्नम की बायोलिंगुअल फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। वजह है कि सोनाक्षी के पास नहीं है डेट्स फ्री। सुनने में आया है कि अभिषेक और ऐश्वर्या प्लान कर रहे हैं सेकंड बेबी। हाल ही में सनी लियोनी का गाना बेबी डॉल का हुआ ग्रैंड लॉन्च। शाहरुख से मिलने पहुंचे फॉर्मर मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैप्पी न्यू ईयर के सेट्स पर। आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा, एआर रहमान और इम्तियाज अली दिखाई दिए बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, जहां वो प्रमोट कर रहे थे उनकी आने वाली फिल्म हाईवे। हाल ही में हुई गुंडे फिल्म की स्क्रीनिंग, जहां रणबीर, दीपिका और रणवीर दिखाई दिए एक साथ। ऋतिक ने मांगी माफी करीना से लास्ट मोमेंट शुद्धि से बैकआउट करने के लिए। माधुरी और जूही के पास नहीं है सेम डेट्स फ्री फिल्म गुलाब गैंग प्रमोट करने के लिए, और इसी वजह से फिल्म के मेकर्स है परेशान। आलिया और अर्जुन करेंगे लिप लॉकिंग सीन उनकी आने वाली फिल्म टू स्टेट्स में, और अगर सूत्रों की माने तो आलिया ने उस लिप सीन के लिए दिए 6 रीटेक्स।